30 मिनट तक नेशनल लाइब्रेरी में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, जहां वो कलाकारों से मिलेंगे और सम्मेलन में जो लोग हैं उनसे भी संवाद करेंगे। इस बीच आपको ये भी बताते चले, देश में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। पीएम मोदी आज नेताजी की जयंती को मनाने के लिए आज कोलकाता पहुंचेंगे और यहां पर उनके कई कार्यक्रम हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि मोदी सरकार आज नेताजी की जयंती को पूरे देश में पराक्रम के रूप में मना रही है और इस मौके पर खासतौर पर कोलकाता में कई कार्यक्रम रखे गए हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। इस मौके पर पीएम नेताजी के खतों के आधार पर लिखी गई एक किताब का भी लोकार्पण करेंगे और साथ ही डाक टिकट भी करेंगे जारी। नेताजी के बंगाल में चुनाव से पहले पीएम का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। पीएम का बंगाल दौरा, नेताजी की 125वीं जयंती का जश्न, पीएम का नेताजी को नमन। हिंदुस्तान की आजादी, हमारे देश की आजादी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो नाम जिसने देश की आजादी के न सिर्फ सपने दिखाए बल्कि आजादी के लिए जान लुटा देने का जज्बा भी पैदा किया। देश की आजादी के लिए न सिर्फ जंग लड़ी बल्कि आजादी की लड़ाई में मील का पत्थर भी बन गए। आजादी के इसी जननायक की आज 125वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में रखे गए कार्यक्रमों का हिस्सा बनकर आजादी में उनके योगदान और बलिदानों को एक बार फिर यादगार बना रहे हैं। उनका 125वां जन्मदिन पालन हम लोग कर रहे हैं पूरा देश में। अच्छी बात है, केंद्रीय सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में आज का ये दिन पराक्रम दिवस से पूरा देश में हम लोग मना रहे हैं। बीजेपी पश्चिम बंगाल में नेताजी की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रही है और इस मौके पर कोलकाता में पीएम के हाथों नेशनल लाइब्रेरी में नेताजी पर प्रदर्शनी के उद्घाटन, विक्टोरिया मेमोरियल में कार्यक्रम, नेताजी के खतों पर आधारित किताब का लोकार्पण और इंडियन नेशनल आर्मी के सेनानियों के सम्मान के साथ डाक टिकट और सिक्का जारी करने का कार्यक्रम भी रखा गया। नेताजी के जन्मदिन के दिवस पर प्रधानमंत्री आज कोलकाता पहुंचेंगे और सबसे पहले कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी में 3:35 पर यहां पर पहुंचेंगे और यहां पर देख सकते हैं आपकी पूरी तरीके से नेशनल लाइब्रेरी में पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके गेट को फूलों से सजाया गया है, नेशनल लाइब्रेरी को यहाँ पर आप देख सकते हैं और पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। हर तरफ आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की तस्वीरें इस सड़क पर लगाई गई हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, तो ठीक इनके ऊपर आप देख सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर है। पीएम का नेताजी को नमन। अपने दौरे से पहले पीएम ने नेताजी को याद किया और ट्वीट करके लिखा, महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत माता के सच्चे सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। कृतज्ञ राष्ट्र देश की आजादी के लिए उनके त्याग और समर्पण को सदा याद रखेगा। पीएम के दौरे के सियासी मायने। प्रधानमंत्री मोदी का कोलकाता का ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब पश्चिम बंगाल में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पीएम का ये दौरा बंगाल में बीजेपी की राजनीति में पारा चढ़ाने का काम करेगा। बीजेपी बंगाल चुनाव को लेकर जोर शोर से जुटी हुई है और बंगाल में अपने कैंपेन को धार देने के लिए कोई मौका नहीं चूक रही है। इस बार बीजेपी बंगाल में सत्ता पाने की हर संभव कोशिश कर रही है, जिसके लिए 200 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य भी रखा गया है। वहीं टीएमसी में भागम भाग मची है और उनके नेता लगातार अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हो रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आए तो वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत को लेकर भी घमासान शुरू हो गया। 23 जनवरी को नेताजी की जयंती को बीजेपी पराक्रम दिवस कह रही है तो ममता इसे देश नायक दिवस कहकर इस मौके पर कई कार्यक्रम कर रही है।
बंगाल में नेताजी के नाम पर बीजेपी ने हमेशा ही उनके साथ अन्याय किए जाने का आरोप लगाया है, जिसके लिए वो कई बार कांग्रेस को घेर चुके हैं। तो टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी चुनाव से पहले सियासी फायदा उठाने के लिए नेताजी को याद कर रही है। बीजेपी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत में अपने लिए कई तरह के फायदे देख रही है। नेताजी की विरासत पश्चिम बंगाल में बीजेपी को ताकतवर बनाएगी, क्योंकि बंगाल में नेताजी को आज भी बहुत अहमियत दी जाती है। नेताजी की विरासत हासिल करने के लिए मोदी सरकार नेताजी की सीक्रेट फाइलों को सार्वजनिक कर चुकी है और फाइलों को डिजिटलाइज भी कर दिया गया है। चुनावी माहौल में नेताजी की उपेक्षा के नाम पर बीजेपी कांग्रेस और ममता बनर्जी को घेर सकती है, क्योंकि पीएम मोदी पहले भी कई बार नेताजी के साथ अन्याय किए जाने का आरोप कांग्रेस पर लगा चुके हैं। साथियों, अपने लक्ष्य के प्रति जिस व्यक्ति का इतना साफ विजन था, लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए निकल गया हो, जो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए समर्पित हो, ऐसे व्यक्ति को याद करने भर से ही पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरित हो जाती है। पश्चिम बंगाल पहुंचकर नेताजी को याद करने का पीएम का ये पहला मौका नहीं है। वो पहले भी कई बार बंगाल में सुभाष चंद्र बोस को याद करके उन्हें नमन कर चुके हैं। देश की आन बान और शान रहे नेताजी से प्रधानमंत्री का खास लगाव रहा है। यही वजह है कि पीएम के दौरे के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। मोदी सरकार ने हमेशा ही नेताजी को भरपूर तवज्जो दी है, जिसमें बंगाल चुनाव को देखते हुए और भी तेजी आ गई है। यही वजह है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी पीएम के पराक्रम दिवस कार्यक्रम में शामिल होना पड़ रहा है। बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के समारोह पर भी राजनीतिक जंग छिड़ती नजर आ रही है। एक ओर केंद्र सरकार नेताजी की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मना रही है, तो दूसरी ओर ममता सरकार ने इसे देश नायक दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया और मनाया भी जा रहा है। तो नेताजी को लेकर सियासत इस सब के बीच, जहां केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने का ऐलान किया है, जो थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी शुरुआत भी करेंगे, तो वहीं ममता सरकार की तरफ से इसे देश नायक दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पदयात्रा के बाद ममता बनर्जी ने केंद्र पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने बांटकर सत्ता हासिल करने को अंग्रेजों की नीति बताया और देश में चार राजधानी बनाए जाने की मांग की। उन्होंने कोलकाता को भी एक राजधानी बनाने की मांग उठा डाली है। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं करने पर भी केंद्र को लिया निशाने पर। उन्होंने नेताजी की मौत की जांच पूरी नहीं होने पर भी सवाल उठाए। ভারতবর্ষের রাজধানী, ভারতবর্ষের চারটে প্রান্তে একটা দক্ষিণ, একটা উত্তর, একটা পূর্ব, একটা নর্থ ইস্টার্ন করা উচিত বলে আমি মনে করি। একটা রাজধানী কেন থাকবে, চারটে থাকবে? আমি বলবো ভারতবর্ষের চারটে জায়গায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভারতবর্ষের সংসদের চারটে অধিবেশন চারটে জায়গায় করা উচিত। আমরা প্যারোকিয়াল নয়, আমরা সবার জন্য বলছি। একটা দক্ষিণে তামিলনাড়ু বা কর্ণাটক বা অন্ধ্রপ্রদেশ বা কেরালায় কেন হবে না, একটা উত্তরপ্রদেশ অথবা পাঞ্জাব অথবা রাজস্থান কেন হবে না, মধ্যপ্রদেশ, একটা পূর্বে বিহার, উড়িষ্যা, বাংলায়, কলকাতায় কেন হবে না, আর একটা ধরুন উত্তর পূর্বাঞ্চল কেন্দ্র করে আর একটা কেন হবে না। চলে একবার সিধে রুখ লেতে আমার সহযোগী অমিত।